नमस्कार दोस्तों, आज की जो गज़ल है, आज की जो रचना है, जो ख्याल है, वो इस सिनेरियो में कुछ सेट किया है कि जैसे समुंदर है, सफ़ीना है, सफ़ीना मतलब नाव, ठीक है, और उसमें वो बैठा हुआ है, लड़के का दिल टूटा हुआ है, ठीक है, और लड़का रो रहा है, इस तरह से कुछ कुछ सेट किया है उस सीन को, ठीक है। तो और यार ऐसा है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सिक लीव कैसे लेते हैं, फीवर अगर है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, उसके लिए बचपन से सिखाते हैं कि कैसे उसके लिए छुट्टी मांगना है, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, लेकिन दिल अगर टूट जाए तो काम से छुट्टी कैसे मांगनी है, क्या करना है, ये हमें कभी हैंडल करना नहीं सिखाया जाता कि अगर दिल टूट जाए तब क्या, ठीक है। तो तब भी हमें काम अपने सारे जारी रखने होते हैं ज़िंदगी में, जो भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त के लिए ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, कि जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो। जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, सफ़ीना यानी ज़िंदगी में अगर आप हो तो काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो। ये दूसरा तरीका, ये कैसे बोला कि बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो, कि वो इंसान जो है नाव में बैठा है, अब वो रो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर अब वो रोएगा तो नाव में पानी भर रहा है, नाव डूब जाएगी। हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम खुल के रो भी नहीं पाते। तो है कि जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो, अभी हमको जाना है बहुत दूर तक, अभी हमको जाना है बहुत दूर तक, हमें भी लाइफ में बहुत बड़ी जर्नी पूरी करनी होती है, अभी हमको जाना है बहुत दूर तक, ये भारी बहुत हैं, दिल से यादें निकालो। बहुत कुछ भूल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है कि अभी हमको जाना है बहुत दूर तक, ये भारी बहुत हैं, दिल से यादें निकालो, और तूफान से लगता हो जो डर तुम्हें, तूफानों से लगता हो जो डर तुम्हें, किसी कागज़ पे वालिद का चेहरा बना लो। अब यहाँ कागज़ पे वालिद का चेहरा बना लो जो बोला है, इसको दो तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है कि एक डर को भूलने के लिए हम दूसरा डर तैयार कर लें, है ना, अगर किसी को वालिद से, पापा से अपने डर लगता है तो, और अगर किसी के वालिद उसके लिए इंस्पिरेशन है तो भी ये लाइन ठीक है कि किसी वालिद पे, किसी कागज़ पे वालिद का चेहरा बना लो। तो तूफान से लगता हो जो डर तुम्हें, किसी वालिद पे, किसी कागज़ पे वालिद का चेहरा बना लो, और है समुंदर में रहने का हुनर एक ही, ये सबसे पसंदीदा मेरी लाइन है, कि है समुंदर में रहने का हुनर एक ही, मछलियों संग खेलो, मछलियों को ही खा लो। कभी कभी जो आपकी तन्हाई में आपके साथ होते हैं उनको भी आपको छोड़ के जाना पड़ता है। समुंदर में रहने का हुनर एक ही, मछलियों संग खेलो, मछलियों को ही खा लो। एक बार अच्छे से सुना देता हूँ आपकी पूरी, है ना, आपको पूरी, ये तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया आपको, कि जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो, और अभी हमको जाना बहुत दूर तक है, अभी हमको जाना बहुत दूर तक, ये भारी बहुत हैं, दिल से यादें निकालो। जो सफ़ीने में हो तो पतवारें उठा लो, बहुत पानी भर रहा है, अपनी आँखें संभालो, और तूफान से लगता हो जो डर तुम्हें, कि तूफान से लगता हो जो डर तुम्हें, किसी कागज़ पे वालिद का चेहरा बना लो, है समुंदर में रहने का हुनर एक ही, है समुंदर में रहने का हुनर एक ही, मछलियों संग खेलो, मछलियों को ही खा लो। शुक्रिया।